हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में और कुछ कार्नाट साइकिल का और बेल कॉलमन साइकिल का कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो इसमें हमारा बेल कॉलमन साइकिल में प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को देखे हैं, 1-2 न्यूमेरिकल्स को, इसमें भी एक न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो जब हमारे डायरेक्टली द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन इज फॉलोज पीवी पावर 1.3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट इज इन ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। सो आई विल राइट फर्स्ट ऑफ सॉल्यूशन गिवेन डेटा हमारा क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले क्या है, दैट इज P1 इज इक्वल टू 1 bar, P2 इज इक्वल टू हमारा 5 bar, राइट। P1 इज इक्वल टू 1 bar, P2 इज इक्वल टू 5 bar, द इनटेक प्रेशर ऑफ 1 bar एंड इट्स टेम्परेचर आर 5 degrees एंड कूल टू 20 degrees। सो दैट इज T1, 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, T2 दैट इज हाउ मच हमारा 20 प्लस सॉरी नॉट T2 दैट इज T3, राइट। T3 20 प्लस 273 डिग्रीज। तो हमने इसको करेंगे तो 278 केल्विन, ये हमारा करेगा तो 293 केल्विन, राइट। 278 केल्विन, 293 केल्विन, एंड देन हाई प्रेशर, फाइंड द COP ऑफ द कंप्रेशन इज इक्वल टू कितना है, COP ऑफ द कंप्रेशन इज इक्वल टू कितना है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, PV पावर 1.3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV पावर 1.3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट इज मीन्स n इज इक्वल टू 1.3। देन CP इज इक्वल टू 1 kJ पर kg केल्विन एंड गामा इज इक्वल टू 1.4, गामा इज इक्वल टू 1.4। लेट अस वी विल ड्रा फर्स्ट ऑफ ऑल पीवी एंड पीएस डायग्राम, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमारा करेंगे, पॉलीट्रोपिक कॉन्स्टेंट प्रेशर, अगेन एक्सपेंशन, अगेन हमारा एक्सपेंशन, ये हमारा पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन होगा, ये हमारा पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, राइट। ये कांस्टेंट प्रेशर है, कूलिंग प्रोसेस है, ये कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस, ये हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस, 1, 2, 3, 4 करस्पॉन्डिंग है। P1 इज इक्वल टू P4, P2 इज इक्वल टू P3, राइट। सो सेम फर्स्ट 1-2 पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस व्हाट हैपन, द आइसेंट्रोपिक इज थोड़ा सा आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट नहीं रहा, इस पे हमारा एंट्रोपी इज कांस्टेंट, एंड देन दिस वन एंड देन दिस वन एंड देन दिस वन, राइट, एंड देन दिस वन एंड दैट वन। ओके, नेक्स्ट हमने डिस्कस करेंगे, राइट, हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्या है, राइट। इस पे हमारा क्या होगा, इस पे हमारा क्या होगा, हमारा तो 1, 2, 2, 3, 4 ए। सो यहाँ का टेम्परेचर दिया T3 दैट इज 293। सो T1 का हमारा टेम्परेचर दिया है दैट इज हमारा 278। सो लेट अस, इट इज ए पीवी पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग इसको हमने पहले शेयर कर लेंगे, इसको हमने पहले डिस्कस करेंगे। द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन एज फॉलोस एज ए रिजल्ट, सो लेट अस वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल। सो P2 by T1 इज इक्वल टू P2 by P1 पावर n-1 by n, राइट, n-1 by n। तो इसमें हमारा T2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, T2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस हमने T2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये 5 by 1 power 1.3 minus 1 by 1.3, T2 वैल्यू इज अननोन, इट इज ए 278। तो हमने T2 वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद क्या होगा, 278 इंटू हमारा
फाइव पावर 0.3 बाय 1.3। तो हमने कैलकुलेटर में देखेंगे, राइट, कैलकुलेटर में हमने दिखाएंगे आपको कैसा किया है, राइट, 278 × 5 over 0.3 by 1.3, राइट, सॉरी ब्रैकेट को डिलीट करो, 403.03, राइट, 403.03 केल्विन। T2 वैल्यू हमारा पास में आया है। सो नेक्स्ट अगेन वैसे ही हमने T4 भी फाइंड आउट करना है। सो लेट अस हमने T4 फाइंड आउट करते सिमिलरली इन एक्सपेंशन प्रोसेस। T3 by T4 is equal to P3 by P4 power n minus 1 by n। सो T3 द वैल्यू इज, T3 वैल्यू इज हमारा कितना था, 293। T4 5 by 1 power 1.3 minus 1 by 1.3, राइट। सो देन T4 इज इक्वल टू 293 by 5 power हमारा 0.3 by 1.3, राइट, फाइंड आउट करेंगे, राइट, 293 by 5 power 0.3 by 1.3, राइट, 202 point हमारा 100, राइट, इट इज ए केल्विन, 202.100 केल्विन। सो राइट यहां तक हमारा आया है, राइट, 202 point हमारा, राइट, ये हमारा केल्विन, इतना तक हमारा पास में आया है। तो लेट अस हमने डिस्कस करेंगे कि हमारा हम लोग डिस्कस फाइंड आउट करेंगे सीओपी कितना है, हमने फाइंड आउट करेंगे कि सीओपी हमारा कितना है। तो सीओपी इज इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या है, सीओपी इज इक्वल टू T1 माइनस T4 बाय हमारा n बाय n माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1 बाय गामा इंटू, राइट, T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4, राइट, ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कौन सा T1 है T2 है सब लोग बगल में हमने लिखते, T1 इज इक्वल टू हमारा कितना हुआ था, T1 इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया है 278, T3 इज इक्वल टू 293, 278 केल्विन, T3 इज इक्वल टू 293 केल्विन, T2 इज इक्वल टू हमारा कितना आया, T2 इज इक्वल टू हमारा 403.03, राइट, 403.03 केल्विन, राइट, T4 इज इक्वल टू कितना आया, 202.100 केल्विन, राइट। सो लेट अस पुट द वैल्यूज, T1 दैट इज 278 माइनस T4 202.100 बाय होल बाय n 1.3 बाय 1.3 माइनस 1 इंटू 1.41 बाय 1.4 T2 वैल्यू इज 403.03 माइनस 293 माइनस हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, T1 माइनस T4 278 माइनस कितना है 202.10, राइट, ये होल ब्रैकेट में। सो पॉलिस ने हम लोग पुट करना है। सो लेट अस हमने सॉल्व करेंगे इसको, हमारा वैल्यू कितना आया, राइट, सो ब्रैकेट को आराम से अप्लाई करके लेके जाना है सबसे पहले। तो हमने अप्लाई करते 278 माइनस 202.100, जीरो को डालने से भी नहीं डालने से भी एक ही है। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करेंगे 1.3
डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 1.3, 1.3 माइनस 1 0.3, राइट 1.3 माइनस सॉरी 1.3 माइनस 1.3 डिवाइडेड बाय 0.3, राइट इनटू हमारा 0.4 बाय 1.4, राइट इनटू ब्रैकेट ओपन 403.03 माइनस 293 ब्रैकेट क्लोज माइनस माइनस 278 माइनस 202.100 ब्रैकेट क्लोज 1.796 द आंसर इज 1.796 1.796 the answer. So we have to find out the numerical like this. Whenever you are going to solve the numerical, so already हमने bell Kolman cycle में हमने दो numerical अपने किया है. Same यहाँ पे हमने देखिएगा ये bell Kolman cycle का given data हमारे लिखे है P1 P2 लिखे है हमने T1 T3 COP सब लिखे है उसके बाद हमने PV diagram को draw किया है. So here we will find out the temperature. So हमने T2 मेरा कितना आया 403.03 हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं. सो T4 हमारा कितना आया है 202.100 राइट 202.100. सो यहाँ पे चार कम रहेगा वन का बगल में 278 इससे थोड़ा ज्यादा रहेगा थ्री इससे ज्यादा रहेगा T2 इससे हमारा ज्यादा रहेगा. इस तरीके से हमने आंसर्स को वेरीफाई कर सकता है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हमने ये देखे है तो यहाँ पे टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई पी वन पावर एन माइनस वन बाई एन राइट. यहाँ पे हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया टी टू इज इक्वल टू 278 फाइव बाई वन 1.3 माइनस वन बाई 1.3 देन वी फाइंड आउट द टी टू वैल्यू दैट विल कम्स 403.03 केल्विन. नेक्स्ट हमारा क्या किया हमने सेम सिमिलरली टी थ्री बाई टी फोर इज इक्वल टू पी थ्री बाई पी फोर पावर एन माइनस वन बाई एन. सो टी 293 बाई टी फोर इज इक्वल टू फाइव बाई वन 1.3 माइनस वन बाय 1.3. सो टी फोर इज इक्वल टू 293 दट इज फाइव फाइव पावर 0.3 बाय 1.3 देन यू फाइंड आउट द टी फोर वैल्यू दैट विल कम्स 202.100 केल्विन. COP COP इज इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या है व्हेन इट इज इन अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. सो T1 माइनस T4 बाय n इनटू n माइनस 1 इनटू गामा माइनस 1 बाय गामा इनटू T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4 राइट. यू पुट द वैल्यूज ऑफ T1 T4 एंड T2 T3 गामा एंड n वैल्यूज. सो आई विल पुट आई एंटर हियर. सो 278 202 माइनस 202.1100 1.3 by 1.3 minus 1 into 1.4 minus 1 by 1.4. Then हमने अपने किया है T2 value, T3 value, T1 value, T4 value. I calculated here, so the value comes 1.76. The value comes 1.796. Students, हम calculator में भी आपको दिखाया है. So your calculator must be and whenever you are entering the values. It must be known the values and apply the practice correctly. Then it will answer directly comes. If it is any difficult, you find out the values first of all. Each one bracket you can complete. After that, you can enter the values and you can finish the things. Okay. This is our bell column and cycle numerical. So, हम लोग और एक numerical को discuss करेंगे. और एक numerical Carnot cycle के ऊपर में हम लोग. So, और एक numerical हम लोग देखेंगे. That is a refrigerator using a Carnot cycle. Requires 1.25 kilowatt per ton of refrigeration to maintain a temperature of minus 30 degree centigrade. Find the COP of the refrigerator. Next one, temperature at which heat is rejected. Next one, heat rejected per ton of refrigeration. हम लोग को find out करना है. So let us given data. हम लोग पहले given data को लिखेंगे and then we will go for further. So here work done. Carnot cycle requires the power requires that is 1.25 kilowatts. Next,
Q1 that is given 1 ton of refrigeration. Temperature minus 30 degrees centigrade. Right, first one you have to find out COP of refrigerator. How much? Next, our temperature which is heat ejected, that is T2. Heat rejected per ton, Q is equal to ton of refrigeration is equal to kitna. ये हमको दिया सबसे पहले 1.25 इंटू किलो जॉल्स पर हमारा सेकंड है, इसको मिनट में बदलेंगे तो क्या होगा इंटू 60 करो 1.25 इंटू 60 1.25 इंटू 60 दैट इज 75 किलो जॉल पर मिनट राइट. नेक्स्ट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन माने 210 किलो जॉल पर मिनट राइट. सो लेट अस हम फाइंड आउट करेंगे T1 है T2 इट इज Q2 दैट इज WR प्लस Q1 वर्क डन दे रहे हैं वर्क डन ये हमारा Q1 राइट. सो यहां पे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हमको फाइंड आउट करना है. तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर माने क्या है हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी बाय वर्क डन. हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी इट्स मीन्स इट इज ए Q1 Q1 बाय WR दैट इज सो Q1 इज 210 बाय हमारा WR माने कितना है 75 210 बाय 75 था 210 सो 210 बाय 75 सो नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू 210 बाय 75 सो दैट इज 2.8. सो COP ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम फर्स्ट बिट आंसर है हमारा 2.8. सो नेक्स्ट वी गो फॉर टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे. सो टेम्परेचर हमारा 500 फाइंड आउट करेंगे. तो फॉर्मूला क्या है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हमारा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू हमारा कितना है T1 बाय T2 माइनस T1 हमारे T1 बाय T2 माइनस T1 वेर एज T1 इज इक्वल टू हमारा कितना था 30 प्लस 273 सो 30 प्लस 273 30 माइनस करेगा तो कितना होगा 243 केल्विन राइट. सो लेट अस आई विल पुट हियर 243 बाय T2 माइनस 243 COP ऑफ द रेफ्रिजरेशन कितना अभी फाइंड आउट किया है दैट इज 2.8 नाउ 2.8 इंटू T2 माइनस 243 इज इक्वल टू 243 सो वी मल्टीप्लाइड दिस वन 2.8 टू T2 इंटू 243 इंटू हमारा 243 इंटू हमारा कितना है 243 इंटू 2.8 कितना हुआ 680.4 इज इक्वल टू 243 देन 2.82 इज इक्वल टू 243 प्लस 680.4 देन T2 इज इक्वल टू हमारा दोनों मिला के कितना होगा 243 दैट इज 923.4 डिवाइडेड बाय 2.8 अगर 2.8 से आप डिवाइडिंग करेगा तो इसका 329.78 केल्विन राइट. अगर इसे हमने माइनस 273 कर देते हैं इट कम्स विद द डिग्रीज 273 हम माइनस कर देते हैं इसको 56.78 केल्विन. सो यहां तक हमने सेकंड नंबर वाला हमने खत्म किया. सो सॉरी नॉट इट्स केल्विन इट इज एन सेंटीग्रेड. सो लास्ट वाला हमारा क्या है हीट रिजेक्टेड. हमारा फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है हीट रिजेक्टेड पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना. तो
Q2 इज इक्वल टू हमारा Q1 प्लस WR। सो Q1 इज इक्वल टू हमारा कितना था, Q1 इज इक्वल टू 210 प्लस WR इज इक्वल टू 75, टोटल हमारा 285 किलो जूल पर मिनट है, राइट। तो 1 टन ऑफ रिफ्रिजरेशन इज इक्वल टू हमारा 210 हमारा किलो जूल पर मिनट हो, तो हमारा 285 किलो जूल पर मिनट जो है कितना टन होगा, तो 285 है हमारा 210, 285 बाय 210, 285 बाय 210, सो दैट इज 1.35 टीआर, 1.35 टीआर। सो कार्नोट साइकिल में अगर न्यूमेरिकल दिया है इस तरीका से हम लोग ने, अगर दो तीन आंसर हम लोग को पूछा है तो इस तरीका से हम लोग इसको कर सकते हैं, इस तरीका से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन हमने इसको डेराइव किया है, तो सबसे पहले उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद में हम लोग ने हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम लोग अगला क्लास में अगला वीडियो में देख सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले हमने क्या लिखे है, सो इसमें वर्क डन हमने लिखे है 1.25, सो इसको 60 से मल्टीप्लाई किया दैट कम्स इन टू द किलो जूल पर मिनट, एंड Q1 को हमने किया दैट इज 210 किलो जूल पर मिनट, T1 को हमने किया -30 डिग्री प्लस 243 केल्विन, COP ऑफ रिफ्रिजरेशन कितना, T2 कितना है, Q2 कितना है हमको फाइंड आउट करना है। COP ऑफ रिफ्रिजरेशन सिस्टम इज इक्वल टू Q1 बाय WR, सो Q1 इज 210, WR इज 75, COP ऑफ द सिस्टम इज 2.8। सो नेक्स्ट हमारा COP ऑफ द रिफ्रिजरेशन सिस्टम दैट इज T1 बाय T2 माइनस T1, दिट इज अ फार्मूला व्हेनेवर टेम्परेचर विल गिवन, टेम्परेचर वैल्यूज विल गिवन, सो कभी टेम्परेचर का वैल्यूज देते हैं देन वी हैव टू टेक दिस फार्मूला, वेन एवर द हीट फार्मूला देगा Q1 बाई Q2 माइनस Q1 करके हम पुट करते हैं 2.8 243 बाई T2 माइनस 243, वेर 2.8 इज इक्वल टू इंटू T2 माइनस 243 इज इक्वल टू 243, सो 2.8 इंटू T2 माइनस 680.4 इज इक्वल टू 240, 2.8 T2 इज इक्वल टू 243 प्लस 680.4, वेर T2 इज इक्वल टू 923.4 बाय 28, सो द आंसर विल कम्स अराउंड 329.78 केल्विन, सो 329.78 माइनस 273 दैट गिव्स एन सेंटीग्रेड दैट इज 56.78। तो Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस WR दैट इज 210 प्लस 75 दैट इज 285 किलो जूल पर मिनट, बट इफ यू टेक ए टन ऑफ रिफ्रिजरेशन दैट इज 1.35 टन ऑफ रिफ्रिजरेशन। सो स्टूडेंट्स कार्नोट साइकिल में हम लोग ने सो दो हमारा फोर साइकिल्स हमारा प्रोसेस रहता है, दैट इज टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस टू आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट, टू आइसोएंट्रोपिक टू आइसोथर्मल, राइट। टू आइसोएंट्रोपिक क्या है, कंप्रेशन एक्सपेंशन है, टू आइसोथर्मल क्या है, एक कंप्रेशन है एक एक्सपेंशन है, राइट। सो इस तरीका से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये पिछला वीडियो में हम लोग बेल कॉलम एंड साइकिल को देखा, इस वीडियो में एक बेल कॉलम एंड साइकिल एक कार्नोट साइकिल का हम लोग ने इस वीडियो में हम लोग ने देखे है। तो स्टूडेंट्स अभी कभी एग्जाम्स में आपको पूछते हैं इस तरीका से गिवन डेट को लिखेंगे तो एक मार्क मिलेगा, उसके बाद फॉर्मूला को लिखेंगे तो इसका दो मार्क, इसका दो मार्क, इसका हमारा दो मार्क, इस तरीका से हम लोग को डिवाइडिंग करते हैं न्यूमेरिकल्स को, राइट। सो व्हेन एवर यू आर डूइंग द न्यूमेरिकल्स यू मस्ट बी केयरफुल, राइट द ऑल द फार्मूलाज एंड पुट द वैल्यूज दैट विल बी गिव ए गुड अपीयरेंस टू द एवेल्यूएटर्स। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।